दोस्तों, निरोग दिवस स्थान के YouTube चैनल आरबीएल मीडिया में आपका स्वागत है। फाजिलका में डिस्पोजल की मोटरें खराब हो गई हैं, सीवरेज सिस्टम फेल हो गया है। जोरा सिंह महानगर में सीवरेज का पानी ओवरफ्लो होने से लोग बेहद परेशान हैं। लोगों ने आज अपनी समस्या बताते हुए कहा कि पिछले कई सालों से ही वे ये समस्या झेल रहे हैं, लेकिन पिछले दो तीन महीनों से लगातार पानी जाम हो रहा है, जिसके चलते यहाँ पर गली में काई तक जम गई है। वार्ड के पार्षद से कई बार कहने पर भी उनकी सुनवाई नहीं हो रही, जिसके चलते आज लोग अपनी समस्या बताने के लिए वार्ड के पार्षद अनिल सेठी के निवास पर पहुंच गए। वहां पर जाकर इनके द्वारा रोष जताया गया, जिस पर अनिल सेठी द्वारा 10 जुलाई को एक बैठक का आयोजन करने की बात कही गई, जिसमें इस समस्या का हल निकालने की बात उनके द्वारा कही गई। देखकर से यहाँ पर लोग इस समस्या से दो चार हो रहे हैं, लोग बेहद परेशान हैं, उनकी सुनवाई नहीं हो रही है। आपको लाइव कवरेज दिखा रहा हूँ, बने रहे हमारे साथ, देखते रहे हमारा चैनल। बहुत बुरा हाल है जी। सीवरेज वाले आंदे ने दो चार टंकर भर के फिर चले जाते हैं, कोई एदा सलूशन नहीं हो रहा अल्टरनेटर जरा है। छोटे छोटे बच्चे पिछे स्कूल है, शिवालिक बाड़ा स्कूल, पानी के बिचू लंघ के जाते रहे। हुण उन्हें जरा रेलवे लाइन के उपरों लंघना शुरू करता है, कल कोई दुर्घटना होगी तो यह प्रशासन ही सारा जिम्मेवार होगा। यदा असी तो कंप्लेटा साढ़े को इनिया कुछ ज़्यादा ने ना कि तुम जाके उ रजिस्टर कमेटी का फरोल लो कि कंप्लेटा ना ही भरया जाए। अज तक कोई हल ही नहीं कोई भी नहीं आया थे सुनवाई करन। सुनवाई बस आते ने कमेटी के जो थलड़े मुलाजम ने वो आके दो चार टैंकर भरते हैं, फिर उवे जाते हैं, मगरों फिर उवे भर जाता है जी। कोई पक्का सलूशन कद ही नहीं रहा, मतलब पानी की निकासी नहीं है। ना ना कोई निकासी नहीं है, तुहाडे सामने है जी हाल। वेखो आ हरियावल जम्मी पी है, बीमारियां फैलन तक काम होया। मेरा नाम प्रेम कौर है, साडा घर नाल है, इत्थे पानी बहुत ज्यादा घटो घट महीना डेढ़ हो गया। असीं कंप्लेटा लिखाने, असीं घरे भी लड़ने भी कंप्लेट लिखा के आओ। आउंदे ने ओह कहिंदे ने पानी तो थोड़ा इवें ही रहेगा, निकलना ही नहीं। एक दो टैंकर लै गया, कदे ना लै गया, कदे ओह पिछू कड्डा। दो तीन नकलियां ने इत्थे रुके ही रहिंदा सी। इक्को चाहुंदे कि साडा पानी निकल जाए। बच्चे जांदे ने इत्थे कई वार डिगदे ने, असीं बच्चां नूं अंदर ठाक के रखने, बाहर निकलन नहीं देने। इतने मच्छर कल सी परसों साडी गुड़िया नूं लड़ गया, एडे एडे मोटे त्रफड़ हो गए। असा दवाई लैके लियांदी है ते बच्चे कई डिगदे ने। मल्ले दे एमसी नूं नहीं किया तुसीं कुछ? क्या अगे एक बार क्या है, वह सुनता ही नहीं। वह कदे किथे चला जांदा, कदे किथे चला जांदा है। अच्छा जी, ते वह किसी की सुनवाई नहीं, किसी की नहीं सुनता। वह नाल ही है पिछे गली, तो उन्होंने पता है सब भी आ पानी है, दूर नहीं है, इतों घरों ही विखदा है। आंदे दो तीन साल हो गए लगभग ही है। पहला बिलकुल सही सी चलता रहा सी, हुण ना इत्थे साडे कोई सिरड निकाली जांदी, कुछ भी नहीं हुंदा भाई। बंदे आउंदे आ बस साडा दो टंग भरे बाहर सिड़ता, उस तों बाद फिर उद्दी एक घंटे बाद तो पानी बराबर हो जाता है। इस पास साड़ी बिल्कुल ही किमें गरीब तबका मन नहीं दिखा रहे बीच में। कंप्लेटा साढ़े को बहुत है, कमरे को खाई अस कई बार टी वी चैनल भी लिया, कई बार अखबार ही दिता, लेकिन कोई असली हल ढीठ हो बैठे। हम की मांग कर रहे हो? असी कहने साढ़े निकासी का हल किया जाए, या इन्हें पटा के नवे ओपन कित जा नालिया वगैरह, या इन पानी का मसला हल होना चाहिए जी। कदों तो तुहानूं समस्या पेश आ रही है जी? जी 6-7 साल हो गए जी। अच्छा जी, बहुत ज़्यादा मन लगे। ये पानी जड़ा है ना जी, नालियां का पानी नहीं है तकरीबन, ये सीवरां दे विचों सीटां दे विचों दी घरां दा पानी जमा होंदा है। अच्छा जी, तुसीं कैमरा उधर घुमा के देखोगे, इत्थे बह के असीं रोटी खाने आ, अगों साडे लैटरिंग फिर फिर के जांदी पई है। ते इहदे समस्या दा हल मखा वी सरकार ही करेगी कि सानूं आप ही करना पैणा है। कोई एमसी होवे, भावें नीलू सेठी होवे, भावें शेरा गुबाया होवे, कोई होवे आ के हाथ जोड़ के खड़ो जाते, असं वोटा उन्होंने पा दें, तो साड़ी कोई समस्या हल करो ना। हम सही पूछा था कैमरा एक बार मेरे घर ला चलो, मेरे घरदा का शरीर वेखो जाके, ये ऐसे पानी की इन्फेक्शन हो पी है, टूटिया अटैच हो रहा सीवर का पानी। ये मान लो कि यह सारा पीण दे भी जाता पै, ये हम घर घर मच्छी मोटर लगिया ने, जो गरीब बंदा वह तो टूटिया का पानी पीवेगा ना ही आर ओ का पानी पीवेगा।
फाजिलका के जोरा सिंह महानगर में सीवरेज के पानी के ओवरफ्लो होने की समस्या बाबत आज मोहल्ला निवासी वार्ड पार्षद नीलू सेठी के निवास पर पहुंच गए, जहां पर उन्होंने अपना रोष जताया। इस पर वार्ड पार्षद अनिल सेठी ने कहा कि इस समस्या का हल जल्द ही निकाल लिया जाएगा। उन्होंने 10 जुलाई को एक बैठक वार्ड में बुलाने की बात कही। उन्होंने कहा कि इस बैठक में अधिकारियों को भी बुलाया जाएगा और इस समस्या का हल पहल के आधार पर हल करवाया जाएगा। आपको लाइव कवरेज दिखा रहा हूं, बने रहे हमारे साथ, देखते रहे हमारा चैनल। बड़ी पुरानी है, रोज इस गली दे विच सेंटर जाके लेवल डाउन है, उन्दे करके जेड़ा पानी का कोई भी माड़ा या शहर विच प्रॉब्लम आ गई है सीवरेज, इतों पानी ओवरफ्लो हो जाता है। सब तो डाउन एरिया है शहर का। सैकेंड नंबर जेड़ा दो तीन दिन तो यह प्रॉब्लम खड़ी हुई है, वो शहर के डिस्पोजल से जेडे पंप से वो जाम हो गए, वो बंद हो गए। उत्थे साडे अफसरां दी नलैकी है बहुत, जिन्हें असी मैं हुणे चलिया ईओ नाल डिस्कस करते हैं। उत्थे तीन पंप लगे हुए हैं, जेड़ा कि पंप एक रात को खराब होया, दूजा अज सवेरे खराब हो गया। एक पंप जिंदा अज तक रिपेयर नहीं कराई गई, उन्होंने स्टैंड बाई रखा जाना से, एंदे किहड़े अफसर की नलैकी है, उनके बार खिलाफ़ लिखांगे, उनके बार खिलाफ़ एजिटेशन भी करांगे। और ये समस्या जी है, असी सारा साडा परिवार है महल का, असी बह के कल 11 बजे मीटिंग रखी है, इनका लेवल होएगा और इन्हें जेई जेड़ा है बुला के सवेरे, क्योंकि इनका टेंडर लग चुका है गली का और बड़ी जल्दी इनू अभी चालू करांगे। फाजिलका में सीवरेज जाम की समस्या संबंधित हमने सीवरेज बोर्ड के अधिकारियों से भी बातचीत की। उन्होंने कहा कि सीवरेज सिस्टम फेल होने के कारण यह समस्या पेश आ रही है, डिस्पोजल की मोटरें खराब हो गई हैं, जिसके कारण यह समस्या पेश आ रही है। उन्होंने कहा कि इस समस्या का हल जल्द ही निकाल लिया जाएगा। आपको लाइव कवरेज दिखा रहा हूँ, बने रहे हमारे साथ, देखते रहे हमारा चैनल। सर अपना सर की समस्या आ रही जी, शहर सीवरेज जाम हो पाया जी, लोग बड़े परेशान ने जी, कब तक सर हम हल होने की उम्मीद है? थोड़ी देर तक, घंटे दो घंटे का समा लगू, अभी बहुत लगे पे फोरमैन काम कर रहे, समान मंगाया बठिंडे तो, इतने नहीं गया ना फाइल का जी, समान आ जाए तो जल्दी जल्दी चल सकते नहीं। जोरा सिंह महानगर के सर एक लोगों का कहना भी बहुत देर तो समस्या आ रही है, पानी जाम रहता है पिछले दो तीन साल दिनों तो, थोड़ी है जी मुश्किल ही, उत्थे एक उच्चो रास्ता ना नीवा है जी पिछे जी, नीवें जगह पर कोई यार मान लो लाइट का फाल्ट या कोई मान लो मेन जड़ियाँ अंडरग्राउंड नालियाँ बंद है, लोगों ने घरों पशु रखे हुए हैं, उसके कारण गोहा तूड़ी जो सारा सीवरेज नालियाँ वो करके ब्लॉक ही हो रही है, वो करके सही नहीं चल रही है, वो बस डिस्पोजल सिस्टम सही हो जाएगा साढ़ा ही, एक अद्धे दिन तक वो भी सही हल कर लिया जाएगा।